हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के न्यू रिक्रूटमेंट ट्रेड्समैन या कांस्टेबल के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जो कि कांस्टेबल या ट्रेड्समैन 2022 के लिए जारी किया गया है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई 21/11/2022 से 20/12/2022 तक कर सकते हैं। इस फॉर्म को मेल एवं फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यदि आप इक्विवेलेंट टू मैट्रिकुलेशन या 10th क्लास पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। एज की गणना 1/8/2022 से की जाएगी। कैंडिडेट का जन्म 2/8/1999 के बाद एवं 1/8/2004 के पहले का नहीं होना चाहिए। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में 5 साल की छूट दी गई है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की। एप्लीकेशन फी, यदि आप फीमेल एससी एसटी ईएक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। इसके अलावा सभी कैंडिडेट के लिए ₹100 एप्लीकेशन फीस है। तो चलिए अब हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ये सीआईएसएफ का अप्लाई पोर्टल है, इसी पोर्टल के माध्यम से अब हम फॉर्म फिल करेंगे। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर जो बेसिक डिटेल्स आपको फिल करना है, 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना फुल नेम इंटर करें और वेरीफाई नेम में दोबारा अपना नेम इंटर करें। क्या आपका नेम चेंज हुआ है, यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। यदि यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर चेंज नेम इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम इंटर करें और यहाँ पर फादर नेम वेरीफाई करें। इसके बाद मदर नेम इंटर करें और यहाँ पर मदर नेम वेरीफाई करें। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। सबसे पहले ईयर, इसके बाद मंथ, इसके बाद डे सेलेक्ट करें। वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में दोबारा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें और यहाँ पर जेंडर वेरीफाई करें। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद कैप्चा कोड इंटर करें। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। अब आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले मोबाइल नंबर इंटर करें और यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करें और यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई करें। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आई एग्री चेकबॉक्स को टिक करें। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट करने से पहले आप डेटा को अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि इसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके पे क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया है। अब आप लॉगिन पे क्लिक करें। अब आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। इसके लिए वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल आईडी पे क्लिक करें। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें जो आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करें। अब मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उसे यहाँ पर इंटर करें। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद ईमेल आईडी पर जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उसे यहाँ पर इंटर करें और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें। आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। अब आप कैंसिल पे क्लिक करें। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद पुनः डैशबोर्ड पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म को फिल करने के लिए अब आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022 पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है जो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का इंस्ट्रक्शन पेज ओपन हो जाएगा। आप इसे रीड कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो अपलोड करना है उस फोटोग्राफ में फोटो निकलवाने की डेट प्रिंट होना चाहिए। यदि आप बिना डेट के फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो उसे रिजेक्टेड माना जाएगा। इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आपका कैंडिडेट डिटेल्स पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नेम, फादर नेम और मदर नेम फिल रहेगा जो आपके रजिस्ट्रेशन से लिया गया है। अब यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करें।
जो भी आपकी कैटेगरी हो उसे सेलेक्ट करें। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट या यूटी सेलेक्ट करें जहां पर आपका निवास है। यदि आप किसी अदर स्टेट या यूटी से माइग्रेटेड हैं तो आप यहां पर यस या नो सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी आपकी सेलेक्ट रहेगी। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या आपका क्वालिफिकेशन सिविल है या आर्मी से है, आप उसे सेलेक्ट करें। यदि आपका नॉर्मल क्वालिफिकेशन है तो आप सिविल ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास ली गई है। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन हो उसे सेलेक्ट करें। इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करें। क्या आप गुजरात के 1984 के दंगों या 2002 के सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित बच्चे या आश्रित हैं तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। क्या आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। क्या आप EX सर्विसमैन हैं, यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। क्या आप CISF पर्सनल वार्ड में आते हैं, यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। क्या आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है, जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट और सेकंड इंटर करना है। आपकी बॉडी में जो भी विजिबल मार्क हो उसे इंटर करें। यदि आपकी बॉडी में कोई मार्क नहीं है तो आप नो मार्क इंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर विलेज या वार्ड और यहाँ पर पोस्ट का नेम इंटर करें। इसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपना पिन कोड नंबर इंटर करें। इसके बाद आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स को टिक करें। यदि अलग अलग है तो आप यहाँ पर फिल करें। इसके बाद आपको आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है। आपके पास जो भी आईडी कार्ड हो उसे सेलेक्ट करें। आपने जो भी आईडी सेलेक्ट की है उसका आईडी नंबर यहाँ पर इंटर करें। क्या आपके फोटोग्राफ में फोटो निकलवाने की डेट प्रिंट है, यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको यस ही सेलेक्ट करना है क्योंकि आपके फोटो में डेट प्रिंटेड मांगा गया है। क्या आपको किसी अदालत या न्यायिक कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया है तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। क्या आपको किसी केंद्र या राज्य सरकार की सर्विस से बर्खास्त किया गया है, यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। क्या आपकी प्रोबेशन के दौरान सर्विस समाप्त की गई है, यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद इस चेकबॉक्स को टिक करें। इसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करें। कैंडिडेट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करें। अब आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपने जितनी भी डिटेल्स फिल की है सभी डिटेल्स यहाँ पर शो होगी। आपको सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपके डिटेल्स में कोई इंफॉर्मेशन गलत फिल हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर लें। यदि सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट फिल है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करें। इसके बाद फाइनल सबमिशन पे क्लिक करें। आई हैव सबमिटेड ऑल इंफॉर्मेशन एज पर माई कंसर्न, ओके पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले आपको एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आप 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं और PDF का साइज 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फाइल सेलेक्ट करें और ओपन पे क्लिक करें। फाइल सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करें। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करें। आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है व्यू फाइल पे क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर आप मैट्रिकुलेशन या SSLC या 10th सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए और आपका डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। सेम तरीके से आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करें। यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके लिए भी सेम साइज और फॉर्मेट है। इसके बाद आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। आपकी फोटो 3 मंथ से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिए और आपकी फोटो पर फोटो खिंचवाने की डेट मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पर जो आपको फोटो अपलोड करना है उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए और फोटोग्राफ का फॉर्मेट JPG या JPG में होना चाहिए। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो साइज है 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का फॉर्मेट JPG या JPG में होना चाहिए। सेम तरीके से आप सिग्नेचर भी अपलोड करें। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको ₹100 की फीस पेमेंट करनी होगी। जिन भी कैंडिडेट में फीस अप्लीकेबल है, जिन भी कैंडिडेट में फीस अप्लीकेबल नहीं है यहाँ से उनका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। फीस पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे क्लिक करें।
यहाँ पर पेमेंट मोड जैसे कि नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मोड ओपन होगा। आपको जिस भी माध्यम से पेमेंट करना हो उसे सेलेक्ट करें। यदि आप स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड या अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो बैंक चार्जेस 0 रुपए है। यदि आप UPI के माध्यम से भी पेमेंट करेंगे तो इसके लिए बैंक चार्जेस 0 रुपए है। बाकी यदि आप अदर माध्यम से पेमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको चार्ज देना होगा। यदि आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो इनमें से जो आपके पास हो उसे सेलेक्ट करें। इसके बाद कन्फर्म में क्लिक करें, पुनः कन्फर्म करें। अब यहाँ पर आपको कार्ड डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आप कार्ड नंबर इंटर करें, इसके बाद एक्सपायरी मंथ और ईयर सेलेक्ट करें। यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम इंटर करें। यदि आपके कार्ड में कार्ड होल्डर का नेम नहीं है तो आप अपना नेम फिल कर सकते हैं। इसके बाद CVV नंबर इंटर करें। CVV नंबर 3 डिजिट का होता है, जनरली कार्ड के बैक साइड पर होता है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद पे पे क्लिक करें। पे पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उस OTP को वेरीफाई करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। यदि आप पेमेंट बाद में करना चाहते हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करें। सेम तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन पेज ओपन हो जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप प्रोसीड टू पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं तो चेक पेमेंट स्टेटस में क्लिक करके आप स्टेटस देख सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।